हेलो एवरीवन, हम स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हमने विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी जिसके बारे में हम लोग देख चुके थे, और आज देखने वाले हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में हम लोग देख चुके थे, इसको आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज स्टडी कर रहे हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, इसे न्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लोग सपोज करते हैं दो बीकर लेते हैं। ठीक है, और बीकर में एक में हम लेते हैं वाटर और दूसरे में लेते हैं मड। ठीक है, मड यानी कि कीचड़। ठीक है, तो हम इन दोनों बीकर को सेम हाइट से, ठीक है, सेम हाइट से और सेम मास का दो स्टोन इसमें गिराते हैं। ठीक है, तो हमें देखने को ये मिलता है कि जो वाटर में है वो हलचल कुछ ज्यादा होता है। ठीक है, इन कंपेयर टू मड में, और मड में जो है वो हलचल कुछ कम होता है। तो यही है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, डिस्टरबेंस ऑफ वाटर मोर देन द मड, द डिस्टरबेंस ऑफ वाटर जो होता है वो मोर देन मड होता है। ठीक है, देन मड। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो मड का ज्यादा है, इसलिए होता है कि ये सारे डिस्टरबेंस को जो है वो डिफ्यूज कर लेता है। ठीक है, और इसे ही हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, मड हैज हायर काइनेमेटिक विस्कोसिटी देन वाटर। Mud has higher viscosity than water. ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको define करते हैं कि kinematic viscosity क्या है, तो तब हम पूरी तरह से clear कर सकते हैं। तो it is ability of fluid to define a disturbance in molecules or momentum. ठीक है, it is ability of fluid to define a disturbance in molecules momentum. ठीक है, disturbance in molecular momentum. ठीक है, कि हमने देखा जो वाटर में हमने स्टोन गिराया और मड में हमने स्टोन को गिराया, तो वाटर में जो है मड के कंपेयर में कुछ ज्यादा हलचल होता है। तो ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि वाटर का काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम है मड से, और मड का काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्यादा है, तो इसी कारण से जो डिस्टरबेंस होता है मड में उसको वो डिफ्यूज कर लेता है। ठीक है, तो यही हमारा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? मैथमेटिकली न्यू इक्वल्स टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू होता है म्यू बाय रो। ठीक है, मैथमेटिकली मैथमेटिकली जो न्यू होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यू इक्वल्स टू म्यू बाय रो। ठीक है, जहां पे म्यू हमारा होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, म्यू हमारा है डायनेमिक विस्कोसिटी और रो है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, जो डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी अगर रो, तो इसके यूनिट को कैलकुलेट करने पे ये हमारा आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है।
इन एसआई में। और सीजीएस में अगर हम सीजीएस में देखते हैं, इन सीजीएस हो जाएगा मीटर का, हो जाएगा हमारा सीएम स्क्वायर और पर सेकेंड, सीएम स्क्वायर पर सेकेंड, ये इन सीजीएस के केस में होगा, ठीक है। और सीएम स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल्स टू होता है स्ट्रोक, इट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक, स्ट्रोक। अब स्ट्रोक वन स्ट्रोक इक्वल्स टू होता है, वन स्ट्रोक इक्वल्स टू 10^-4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा है वन स्ट्रोक। तो ये था हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।